एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे देवरानी और जेठानी। देवरानी बोले तो निक सुमित ऑफिशियल और जेठानी बोले तो कामनी सिंह। दोस्तों लगातार दोनों का वीडियो आता है, कामनी सिंह का भी और निक सुमित ऑफिशियल का भी, मतलब निक्की जी का भी वीडियो आता है। दोनों ने सेम बात कही है। कामनी जी का भी यही कहना है, मतलब कामनी जी का कहना ये है कि मेरे नाम का लोग फैन पेज बना के यूज कर रहे हैं व्यूज़ के लिए और मेरे नाम से पैसे कमाना चाहते हैं। और निक्की का वीडियो ये आया था कि जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बहुत सारी गंदगी फैलाई जा रही है, फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इन सब मामलों में नहीं पढ़ूंगी और मैं अपना वीडियो बनाऊंगी और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पिछले बीतों दिनों बहुत कुछ उनकी फैमिली में बहुत कुछ हुआ था। आज से 4-5 महीने पहले मैंने भी वीडियो देखी थी जिसमें उनके घर में बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन अभी का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। दोनों देवरानी जेठानी ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया है। ऑफ कैमरा किया हो या फिर ऑन कैमरा तो उनकी बात नहीं होती है, लेकिन ऑफ कैमरा जो भी मैटर जो भी शांत हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोगों को पता है कि कामनी जी की मम्मी का तबीयत ख़राब था, तो जहाँ पे वो गई भी थी उसके बाद से उनकी सास जो है उन्होंने अपनी तरफ से उनके रिश्तों को सही करने की पहल की है। और लोग मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो भी कामनी जी के जो भी उनके फ़ैन हैं, जो भी उनको देखना पसंद करते हैं, जो उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनको सबको यही इंतज़ार था कि कामनी जी का ससुराल का जो रिश्ता है वो सही हो जाए, उनकी सास ससुराल और मायके का जो रिश्ता है वो फिर से सही हो जाए। तो उनकी सास ने पहल की है और वहाँ पे उनकी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उस पर उनकी सास ने कॉल करके बात की थी कि पहले, लेकिन उनकी बात नहीं होती थी पहले, उनके ससुराल और मायके में थोड़ा भी बातचीत नहीं होता था, यानी यहाँ तक कि उनके मायके वाले कभी ससुराल में आप लोगों को दिखे ही नहीं होंगे, वो कभी आते ही नहीं थे। वहाँ पर निक्की के मायके वाले ससुराल आते हैं लेकिन कामनी जी के मायके वाले नहीं आते हैं, तो कुछ रीज़न था जिसके वजह से वो लोग नहीं आते थे, लेकिन अब शायद रिश्ते सही हो रहे हैं। तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि जो भी रिश्ते हैं वो सही हो जाए। और वहाँ पे कामनी जी बहुत ज़्यादा खुश थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी देखा था, लॉन्ग वीडियो में भी देखा था, वो इतनी खुशी से इतनी तेज़ी से जाके अपनी सास को गले लगा ली थी और किस विश भी की थी। तो वो जो मूवमेंट था ना बहुत ही अच्छा था, बहुत खुशी मिली। तो अभी जो है कामनी जी का जो फ़ैन पेज है, किसी ने उनका फ़ैन पेज बनाया हुआ था जिसमें वो कामनी जी की जो जितनी भी वीडियो थी क्लिप वगैरह कॉपी करके पेस्ट कर लेता था और उनकी वीडियो वगैरह डालता था, और मतलब जो भी सारी उनकी वीडियो होती थी तो वो सारा डाल लेता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि फ़ैन पेज का मतलब ये होता है कि आप जिसको पसंद करते हो, फ़ैन का मतलब तो ये होता है ना जिससे हम पसंद करते हैं उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले। वहाँ पर वो क्या करता था, अर्थ देहरादून करके जो मॉम है, जो रिएक्शन चैनल जिनका है, उनकी भी क्लिप ऐड कर लिया था, तो इसलिए उनको ये लगा कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ व्यूज से मतलब है। क्योंकि अगर उसको उसके अंदर ये होता कि हम सिर्फ कामनी जी के फ़ैन हैं तो वो सिर्फ कामनी जी पे ही फोकस करता था, नहीं उसको सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर से मतलब था, इसलिए उसने कामनी जी का जो वॉलपेपर लगाया था डीपी जिसे कहते हैं उसको हटा के फिर दूसरे किसी क्रिएटर का लगा लिया था। इस वजह से कामनी जी को गुस्सा आया, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और नाम आप कमाओ तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। ठीक है आप किसी के लिए वीडियो बनाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी वीडियो ही कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। खुद की मेहनत करो यार, खुद की वीडियो बनाओ, खुद की फेस वैल्यू बनाओ। हाँ आपको किसी के ऊपर वीडियो बनाना है तो खुद के फेस से खुद के मेहनत से करो ना, क्यों किसी का पूरा पका पकाया खाना ही बना के कोई रख दे तो उसे खा लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और दोस्तों अभी आप लोगों ने आरती का भी वीडियो देखा होगा, जो कामनी जी की जो बहन है आरती, उनका भी शादी होने वाला है,
नवंबर में उनकी शादी, अभी सगाई, अभी इंगेजमेंट हुआ था, सगाई हुई थी, और नवंबर में शायद छठ बाद उनकी शादी है। तो भगवान करे कि तब तक इनके ससुराल का जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी रिश्ता है ससुराल में मायके का, ठीक हो जाए, फिर से ये लोग पहले की तरह हो जाए। तो उस आरती के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो गई हुई थी मार्केट, अभी पितरपक्ष से पहले ही गई थी, क्योंकि पितरपक्ष में बहुत सारे लोग खरीदारी नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं पितरपक्ष में, लेकिन अगर वहाँ पे वो गई हुई थी पितरपक्ष से पहले, लेकिन ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हुई, वहाँ पे वो सोने चांदी की खरीदारी कर रही थी, जहाँ पे वो बोली थी कि भैया भाभी जो पसंद करेंगे हम वो ले लेंगे, पापा आएंगे तब लेंगे, मतलब अभी ये लोग पसंद कर ले। तो वहाँ पे जो पूजा है, पूजा जो है ना, कामनी दी की जो भाभी है पूजा, वो निक्की दी के चाचा की लड़की है, मतलब रिलेटिव ही है, उनकी चाचा की लड़की है पूजा। इस वजह से लोगों को लगता है कि पूजा जो है वो आरती को पसंद नहीं करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे वो खरीदारी करने लगी तो कुछ चीज़ें जो वो आरती के ऊपर भी लगा के देख रही थी और अपने ऊपर भी लगा के देख रही थी, तो लोगों को ये लग रहा है कि वो, मतलब बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे कि पूजा को पसंद नहीं करती है, पूजा पसंद नहीं करती है आरती को, और जो भी चीज़ें खरीदाने जाती है पूजा की तो वो अपने लिए खरीदती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और पूजा का भी सुबह में ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि ऐसा कुछ नहीं है, आरती जो पसंद करती है, आरती जो बोलती है वही उसके लिए खरीदाता है। मैं वहाँ पे अपने ऊपर लगा के देख रही थी, इसका मतलब मैं अपने लिए नहीं ले रही थी, और अपने लिए लेना भी होगा तो भाई वो अपने हस्बैंड के पैसे से लेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी ननद को देख के जले, क्योंकि उनका जो ब्लॉग आता है और जो कुछ भी हमें दिखता है उससे समझ में आता है कि उनके ननद भाभी का जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक अभी ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आरती को भी कमेंट्स किए थे कि तुम अपनी दीदी की तरह कामनी को देख के ब्लॉग बनाया करो, तुमको ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, तुमको कोई चीज़ें बतानी नहीं आती है, कोई चीज़ें दिखानी नहीं आती है। तो यहाँ पे कामनी दी की बात करें तो कामनी दी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने वो भी पेट से सीख के नहीं आई थी, ना ही हम पेट से सीख के आए, ना ही आरती पेट से सीख के आई है, देखते देखते करते करते वो भी सीख गई हैं। तो वैसे ही पूजा भी है, अभी तो बहुत अच्छा खासा ब्लॉगिंग कर ही लेती है, लेकिन आने वाले समय में वो भी बेस्ट बेस्ट रिजल्ट देगी। यही सब चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी थी, कुछ डाउट्स थे जो क्लियर करने थे। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप सबको थोड़ी भी अच्छी लगती हो, इतनी परसेंट, आधा परसेंट भी अच्छी लगती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक और बात हम कहना चाहेंगे, एक लोगों का कमेंट ये भी था, तुम खुद का क्यों नहीं बनाती हो, दूसरे का वीडियो क्यों बनाती हो, दूसरे के मैटर में क्यों पढ़ती हो। तो भैया हम किसी से पूछ के वीडियो बनाते नहीं हैं, और रही बात सिर्फ हम ही किसी का वीडियो नहीं बनाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो बनाते हैं, कोई अपने फेस से तुरंत नहीं वायरल होता है, जो नए क्रिएटर हैं उन्हें स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब तक हम किसी बड़े यूट्यूबर या फिर किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर का ब्लॉग वीडियो नहीं, उनके मतलब उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी फेस वैल्यू नहीं बनेगी। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है, अगर यूट्यूब पे कामयाब होना है तो अपना खुद का फेस वैल्यू बनाना पड़ता है, तो जब फेस वैल्यू बन जाती है ना तभी यूट्यूब चैनल चलता है, तभी हमारा, अभी हम इतने छोटे क्रिएटर हैं कि हमारा ब्लॉग देखना नहीं पसंद करेंगे लोग, इसलिए हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं, और मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, तो हम भी एक दिन बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करेंगे और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना ब्लॉग वीडियो शेयर करेंगे। मेरा एक ब्लॉग चैनल था दोस्तों, ऐसा नहीं है, उस पर 8,500 करके ऐसे सब्सक्राइबर थे, लेकिन कुछ रीजन के कारण मेरा वो चैनल डिलीट हो गया, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत अफसोस है, लेकिन आगे इतना उम्मीद भी है कि मैं फिर से एक चैनल खड़ा करूँगी और जिसमें आप सबको अपना ब्लॉग वीडियो दिखाऊँगी।